डेडपुल एंड वॉल्वरीन ने कमाई के मामले में सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां इंडिया की बाहुबली 2 1800 करोड़ का कलेक्शन किया था, मात्र 3 दिन के अंदर बाहुबली से दुगुना कलेक्शन कर लिया डेडपुल एंड वॉल्वरीन। और इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है दंगल, जो कि 2000 करोड़ का कलेक्शन किया था और डेडपुल एंड वॉल्वरीन का बजट ही है 1600 करोड़। मात्र 400 करोड़ का अंतर है सिर्फ कमाई के मामले में दंगल का और इसका बजट ही है 1600 करोड़, सोच सकते हैं। और डेडपुल एंड वॉल्वरीन ने 3 दिन के अंदर पूरा वर्ल्ड वाइड 3650 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, सोच सकते हैं। 3 दिन के अंदर ही 3650 करोड़ का कलेक्शन किया और बजट था 1600 करोड़ का, तो अपना दुगुना से भी ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है। लेकिन मार्वल की सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है एवेंजर एंडगेम, जो कि 19000 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसका रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े कम से कम उसका आधा करोड़ का कलेक्शन भी कर लेती तो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि डेडपुल का पहला पार्ट जो आया था उसने 8000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि उसका बजट बहुत ज़्यादा कम था। इसका 1600 करोड़ बजट है, तो इस फिल्म को कमाई के मामले में कम से कम 19000 करोड़ जो एंडगेम कमाया उससे तो आधा कलेक्शन करना चाहिए। 10000 करोड़ तक डेडपुल एंड वॉल्वरीन को कमाई करना चाहिए। 3000 3 दिन के अंदर किया है, तो कम से कम ये अपना लास्ट वीक तक मतलब कर ही लेगी अपना डेडपुल एंड वॉल्वरीन कमाई के मामले में, तो सारा रिकॉर्ड तोड़ ही देगा जिस तरीके से इसका रुतबा चल रहा है। ये फिल्म जो चल रही है डेडपुल एंड वॉल्वरीन की वजह से, और डेडपुल में जिस तरह का डेडपुल का किरदार निभाया रियान रोना, सबका दिल जीत लिया। खास करके इसका हिंदी डबिंग इतना जबरदस्त है, इंग्लिश में क्या और लैंग्वेज में किस तरह से डब किया गया वह तो पता नहीं, लेकिन हिंदी का तो जबरदस्त डबिंग किया गया और इतना जबरदस्त डायलॉग को इसमें दिखाया गया जो तो रियलिटी लगता है। फिल्म तो रियल नहीं है लेकिन फिल्म में जो डायलॉग बोलता है रियलिटी लगता है कि जो ऑडियंस देख रहा है उसके लिए बोला गया है। और इस फिल्म में हग जैकमैन ने तो वॉल्वरीन का किरदार में तो जी ही लिया, उसके अलावा तो वॉल्वरीन का किरदार किसी पे जचेगा नहीं। हग जैकमैन ने तो दिल जीत लिया अपना एक्शन से। और खास करके इस फिल्म का कैमियो इतना जबरदस्त है, 150 तो आपको वो डेडपुल ही देखने को मिलेगा। अपना रियान रोनास तो है ही, लेकिन इसमें 150 अलग अलग देखने को मिलेगा डेडपुल, और हग जैकमैन भी 5 हग जैकमैन आपको वॉल्वरीन का किरदार में देखने को मिल जाएगा। और इस फिल्म में जो कैमियो है कैप्टन अमेरिका, जो कि क्रिस इवांस है, जो कि इस फिल्म में अलग अवतार में कैमियो किया है, जो कि काफ़ी जबरदस्त है। और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार का इसमें कैमियो होता है, जो कि काफ़ी जबरदस्त है और इस फिल्म को हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। और खास करके मार्वल की फिल्म है तो डायरेक्ट डेडपुल बोलता भी इस फिल्म में मार्वल का मसीहा आ गया, क्योंकि मार्वल का काफ़ी डाउनफॉल चलता है, तो वो फिल्म में भी ऐसा बात बोलता था कि मार्वल का कमबैक कराने आए, तो मार्वल का कमबैक करा ही दिया। और से मार्वल का जो असली मसीहा है रॉबर्ट डाउन जूनियर, जो कि आयरन मैन था, इस फिल्म अब इस फिल्म मार्वल में यानी एमसीयू में लौटने वाले हैं, जो कि डॉक्टर डूम का किरदार निभाने वाले हैं, जो कि मेन विलन होने वाला है एमसीयू का अब, जो कि पहले थैनोस था लेकिन पहले सबसे बड़ा हीरो था रॉबर्ट डाउन जूनियर ही आयरन मैन, और एमसीयू का सबसे बड़ा विलन होने वाला है डॉक्टर डूम के किरदार में रॉबर्ट डाउन जूनियर। तो आपको डेडपूल एंड वॉल्वरीन का कमाई जान के कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।